Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIIMS Academy. So today we are going to start the question number 3rd. First or second हम already कर चुके हैं, examples कर चुके हैं. जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर पहले वो videos देख सकते हैं और introduction वाली videos भी मैंने upload कर दी हैं. So the third question is the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 मीटर. इस बार उन्होंने लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं दी हुई, इस बार उन्होंने पेरीमीटर दे दिया और किसका दिया है, रेक्टेंगुलर हॉल का. देखिए यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है वो किस शेप का नजर आ रहा है आपको, रेक्टेंगुलर शेप का. अगर मैं इसको ऐसे बना दूं रेक्टेंगुलर शेप का तो देखिए ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ और ये होगी इसकी लेंथ. तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 मीटर. गॉट इट. इसके बाद दी हुई है उन्होंने इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, कितनी वॉल्स, फोर वॉल्स, मतलब कि यहां पर आपको व्हाइट वॉश करवाना है, पेंट करवाना है, एट द रेट ऑफ व्हाट, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000. इसका मतलब उन्होंने हमें रेट भी दे दिया है और कॉस्ट भी दे दी है. और उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, इस हॉल की आपको हाइट बतानी है. क्लियर है सब कुछ. तो उन्होंने दिया क्या क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं. सबसे पहली चीज तो उन्होंने हमें रेट दे दी है. रेट क्या दिया हुआ उन्होंने, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. इसका मतलब यह कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर करवाएंगे पेंट तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपीज. क्लियर है. इसके बाद उन्होंने हमें कॉस्ट भी दे दी है टोटल. उन्होंने ये बोला है कि जब आप फोर वॉल्स को पेंट करवाओगे एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर तब आपको कितने रुपए पे करने होंगे, 15,000. इसका मतलब उन्होंने हमें कॉस्ट भी दे दी है, कितनी, 15,000. और एक चीज और दिया हुआ है उन्होंने, क्या, पेरीमीटर. पेरीमीटर उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 250 मीटर. क्लियर है. और उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, हाइट, इस हॉल की हाइट. ठीक है. तो एक बात बताइए, अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होता है, 2l + b. ठीक है. और मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया हुआ है. तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b एंड विच इज वॉट, 250 मीटर. अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो द आंसर विल बी l + b एंड दैट इज 125 मीटर. एक तो मुझे ये पता चल गया. ठीक है. एक चीज और उन्होंने बोली है कि फोर वॉल्स, इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने फोर वॉल्स पे पेंट करवाया होगा तब उन्हें कितने रुपए देने पड़े होंगे, 15,000. अच्छा एक बात बताइए, मैं आपने जैसे कि हम एक पेन, मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज. ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि रेट कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज. और अगर मैं ये बोलता हूं कि आप एक पेन लेंगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपीज. अगर आप 2 पेन्स लेंगे तो 10 रुपीज. अगर आप 3 पेन्स लेंगे तो 15 रुपीज. इसका मतलब यह है कि ये तो है आपका रेट और ये क्या है आपकी क्वांटिटी. अगर आप रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाती है, क्या मिलता है, अमाउंट. ये बात समझ में आ रही है. तो एक बात बताइए, अगर आपको रेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है और वो आपसे क्वांटिटी पूछ ले तो क्या करेंगे, रेट से ज्यादा उधर डिवाइड कर देंगे. तो अगर मैं अमाउंट को रेट से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी. ठीक है. यहां पर बात हो रही है क्वांटिटी ऑफ पेन, लेकिन क्या मैंने यहां पर पेन खरीदे हैं, नहीं. यहां पर मैंने क्या किया है, वाइट वॉश करवाया है फोर वॉल्स पे. तो इसका मतलब यह है कि फोर वॉल्स का एरिया, तो अगर आप एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अमाउंट को रेट से डिवाइड करना होगा, मतलब के कॉस्ट, कॉस्ट को किससे डिवाइड करना होगा,
रेट से। क्लियर है बात या नहीं? अब देखिए कॉस्ट कितनी 15,000 और रेट कितना 10 रुपीज। इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया है फोर वॉल्स का एरिया। अच्छा एक बात आइए, अगर आप फोर वॉल्स पे पेंट करवाएंगे तो कहां कहां करवाएंगे? एक तो फ्रंट वाली वॉल पर, एक पीछे, इधर और इधर। तो फ्रंट वाली वॉल की अगर मैं बात करूं तो L इंटू एच, भाई फ्रंट वाली वॉल का है L इंटू एच। एक फ्रंट में ऐसी वॉल है और बिल्कुल सेम ऐसी एक पीछे वॉल है, तो मतलब क्या है 2L इंटू एच प्लस और साइड में करवाएंगे, दैट मीन्स B इंटू एच। एक जैसी वॉल इधर है बिल्कुल सेम ऐसी ही वॉल एक उधर है, मतलब के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर उन्होंने दे दिया है कितना 1500 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा एक बताए, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो यहां पर 2 कॉमन है और h कॉमन है। अगर आप 2h यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा l, और अगर यहां से आप 2h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा b। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर देखिए एल प्लस बी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, यहां से सॉल्व करके निकाली थी, तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 125। अब देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। देखिए 0 0 कैंसिल आउट और ये 10 टाइम्स में चला जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ द हॉल विल बी 10 मीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।